वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, कराची शहर के अंदर निगरा वज़ीर आज़म अनवार साहब जो हैं इस वक्त मौजूद हैं, और लोग सनतकारों से जो है, इम्पोर्टेंट कंपनियों से जो हैं उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, और साथ साथ इसकी के ऊपर तफसीलात जो है हम हासिल करेंगे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो बात की जा रही है। आइंदा चाइना से जो सरमायाकारी आने वाली मिलेगी उसकी हवाले से जो है वो बात की जा रही है कि हमें ख़ुद को तैयार करना चाहिए पड़ेगा, और इसी हवाले से हम मज़ीद तफसीलात के इस वक्त कहाँ कहाँ मुलाकातें रही और इस वक्त मज़ीद क्या किस तरह का दिन गुजारेंगे वज़ीर आज़म साहब, इसी हवाले से अपने रिपोर्टर हैं कॉमर्स की हुदा शेख, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। हुदा, क्या तफसीलात हैं आपके पास और किन किन लोगों से मुलाकातें होंगी इस वक्त कराची में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर जो हैं वो उन कराची पहुंचे तो गवर्नर सिंह कामरान डिसोरी ने जो है वो पीएफ बेस फैसल पर उन्हें खुश आमदेद कहा, जिसके बाद जो है वो स्टॉक मार्केट की जो एक इवेंट था उसके लिए वो आए थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो है 25 बेहतरीन कंपनियों के अवार्ड देने की तकरीब थी, वहाँ पे जो है वो उन्होंने खिताब भी किया। उनका ये कहना था वज़ीर आज़म का, निगरान वज़ीर आज़म का, कि स्टॉक मार्केट जो है वो उसका 60,000 की जो हद उबूर करना जो है वो एक तारीखी कामयाबी है। जबकि उनका ये भी कहना था कि उम्मीद है कि मुस्तकबिल में जो इन कंपनियों की तादाद में मज़ीद इजाफा भी होगा और इनकी इन कंपनियों ने जो है वो मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में जो है वो मतलब काफ़ी किरदार अदा किया है। जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार में भी जो है वो 30% जो है इजाफा हुआ है, जबकि हमको ये शानदार कामयाबी है जो इसके तसलसल को जारी रखना होगा और जदीद टेक्नोलॉजी से जो है वो इस्तेफादा हासिल करने की भी ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो निगरान हुकूमत है वो स्मगलिंग, ज़खीरा अंदोजी और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए भी इकदाम कर रही हो, जबकि मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए जो है ना खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि ताजर बिरादरी जो है वो मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करे। तो ये ताजर बिरादरी को उन्होंने कहा है कि ताजर बिरादरी जो है अपना किरदार अदा कर सकती है, और जो है स्टॉक मार्केट के जो CEO थे उनसे भी मुलाकात हुई, और उन्होंने ये भी कहा है कि आलमी मंडियों को मद्देनज़र रखते हुए जो है अपनी खिदमात और मसनूआत जो है वो पाकिस्तान के जो कारोबारी अफराद हैं वो तैयार करें, तो बैरून मुल्क मंडियों में जो है रसाई को अपनी कामयाबी और अपना हदफ बनाए। और थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताइएगा कि जो सनत जो ये कंपनियों के CEOs हैं उनका क्या तासुरात थे, उनकी क्या बातचीत हुई, कुछ इसके ऊपर भी उन्होंने क्या इजहार ख्याल किया, उसके ऊपर भी ज़रा लपकुशाई करें ना। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो कंपनीज स्टॉक मार्केट में जिन कंपनियों 25 लिस्टेड कंपनियां जो थीं बेहतरीन उनको अवार्ड मिला है, तो कंपनियों की जानिब से जो है वो खुशी का इजहार किया गया है, और इसमें जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है इस्लामिक फाइनेंस की शमूलियत जो है उसके भी ये मजबूत नतायज अब सामने आ रहे हैं। जबकि मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिल रहा है, ये कंपनी के जो CEOs थे उनका भी कहना था, और उन्होंने इस हवाले से जो है वो चूँकि जो स्टॉक मार्केट में नई कंपनियां लिस्टेड हो रही हैं तो चूँकि वो कंपटीशन वाली सूरत हाल होती है, जो कंपनीज की नाम होता है उसके हवाले से जो है उनको अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस मौके पर जो है मुलाकात जो है मारूफ सनतकारों से भी जो है मुलाकात की है निगरान वज़ीर आज़म ने, और उन्होंने जो है जिनमें ज़ुबैर मोतीवाला थे TTAP के जो चेयरमैन हैं और दीगर भी जो कारोबारी अफराद थे जिसमें एक अकील करीम डैडी भी शामिल थे, जो उन्होंने जो है कारोबारी बरादरी के जो मसाइल हैं और मईशत की बेहतरी के इकदाम थे और स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी के हवाले से भी जो है वो तबादला ख्याल किया गया। जबकि जो है निगरान वज़ीर आज़म ने जो है अवार्ड कंपनियों के CEOs को अवार्ड जो है वो तफवीज़ किए। जी बहुत शुक्रिया हुदा शेख, तफसीलात से मुकम्मल तौर पे जो है तफसीलात देने के लिए और नाज़रीन तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। हम बात कर रहे थे कि दौरा है और यकीनी तौर पे कराची को एक
मेन हब समझा जाता है और तमाम जो तिजारती मराकज़ हैं वो बताया जाता है कि वो यहीं पर है। नाज़रीन ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं और एक इम्पोर्टेंट बहस है उसको छेड़ेंगे, क्योंकि बल्दिया का जो इजलास है कौंसिल का उसमें बड़ी हंगामा आई हुई आज और बड़ी एक दूसरे के ऊपर तनकीद हुई, क्या मामला थे उस पर बात करेंगे, अभी जा रहे हैं ब्रेक पर।